वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज मैं आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के टिप्स देती हूँ। जैसे कि हमने अभी सुशांत सिंह का सुसाइडल केस देखा एंड एवरीबडी बस टॉकिंग अबाउट इज लाइक पीपल आर साइकोटिक, पीपल ऑन ड्रग्स यानी कि डिप्रेशन वाले ड्रग्स की आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वॉट यू कैन डू टू यू नो रिमूव ऑल दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम नेगेटिव पैच ऑफ द लाइफ। इफ सम थिंग्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेड Negatively your mind or hindering your mind or hindering your mental growth, what you need to do। बहुत फ़नी सी चीज़ है, मुझे पता है आपको हंसी तो आएगी, लेकिन आप अगर वो करेंगे आप उसको शायद लाइटली भी लें, लेकिन ये जो भी मैं बोलती हूँ ये जब खुद करती हूँ कुछ तभी मैं बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं बताना पसंद नहीं करती। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग सो नेगेटिव और यू आर गोइंग थ्रू सम नेगेटिव थॉट्स, स्टार्ट राइटिंग इट ऑन पेपर और द लैपटॉप पे, आप नोटपैड पे कहीं पे भी लिखिए, जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जिस भी लैंग्वेज को आप फॉलो करते हैं उस लैंग्वेज में आप लिखिए, लेकिन लिखिए। और लिखने के बाद उस पेपर को आप जला दीजिए। ये सीरियसली बहुत अच्छा टिप है, क्योंकि मेडिसिन खाने से ज़्यादा बेटर है कि अगर कोई भी टेंशन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हमारे टेंशन को किसी से शेयर कर लेते हैं, चार लोगों को बता देते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी से शेयर ही नहीं करना है तो कोई बहुत ही क्लोज हो तो आप उससे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शेयर ही नहीं करना और कुछ उथल पुथल चल रही है आपके दिमाग में, सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। इधर उसको फाड़ के फेंकिए, डस्टबिन में डाल दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर आप उसको जला दीजिए उस पेपर को। आप टुकड़ों में मत फेंकिएगा, बाई चांस कोई ना जोड़ के टुकड़े और आपकी कोई स्टोरी कुक कर ली तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर दैट, क्योंकि आजकल लोगों को एक लाइन मिलता नहीं है और स्टोरी पहले कुक कर लेते हैं आपकी लाइफ के बारे में, ये तो आपको भी पता होगा। तो बी इट चाहे फ्रेंड हो चाहे रिलेटिव्स हो, कुछ ना कुछ स्टोरी बना के प्रचार प्रसार, और वो न्यूज़पेपर टाइप का 24 घंटे में पूरा फैल जाता है इस दुनिया में। तो प्लीज़ कोई रिलेटिव्स भी हैं या फ्रेंड्स भी हैं मेरे इस वीडियो को देख के, ये मत सोचिएगा इट इज़ नॉट फॉर यू, जस्ट जनरली आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग। ओके, सो सेकंड थिंग यू कैन डू इज हूसो एवर इज सो नियर टू यू, मे बी यूर कजन्स, मे बी यूर ओन सिबलिंग और योर पेरेंट्स, पर पेरेंट्स का क्या होता है ना कि आप सर्टेन एज तक उन्हें चीज़ें बता सकते हो, जब वो ओल्ड ग्रो करने लगते हैं सो यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम, एवरी टेंशन विद देम, बिकॉज उनकी हेल्थ का भी सवाल है, कल को अगर वो कुछ टेंशन ले लें ज़्यादा और उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वी विल बी गिल्टी ऑफ आवरसेल्फ्स लाइक व्हाट वी हैव डन टू आवर पेरेंट, राइट? सो यू शुड नॉट डू दैट। सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, जब आप टीनेजर होते हो यू हैव टू शेयर एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स, एंड सेकेंडली क्योंकि आप जब उस समय कोई ट्रॉमा से गुजर रहे हो, और जैसा मैंने शायद लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि आपके कोई भी टीचर होना चाहिए, कोई गुरु या टीचर हो, उनसे आप सब शेयर कर सकते हो, वो भी अगर you have to see, but you know the person should be trustworthy, whether he is or she is your teacher, but they should be trustworthy to keep your secrets inside his or her stomach, then only you can share it। तो आपकी कोई भी गुरु हो या आपकी कोई कजिन्स हो या आपकी फैमिली हो, आपका खुद का भाई बहन हो, आप उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। थर्ड में जो आपको टिप देने वाली हूँ, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये सभी बोलते हैं मेडिटेशन करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जब भी आप जो भी प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर आप बिल्कुल ध्यान से पूजा करोगे या ध्यान से मेडिटेशन करोगे, पूजा इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूजा कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ या मैं कोई प्रेयर कर रही हूँ और दिमाग में उल्टा सीधा कुछ चल रहा है, वो पूजा कभी भी नहीं लगती है। जैसे हम मेडिटेशन में कहते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए मेडिटेशन करते वक्त, बिल्कुल एक जगह फोकस होना चाहिए हमारा मेडिटेशन के वक्त। क्या होता है, जब भी आप कुछ मेडिटेशन या पूजा करते हो, मतलब आप गॉड से आपको कनेक्ट करते हो, जब आप कनेक्ट करते हो तो जो आपका थर्ड आई होता है वो थर्ड चक्र आपका ओपन होना चाहिए। जिस दिन आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली एक मेंटल कामनेस मिलता है, आपका गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग होने लगती है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है, सोच के तरीके बढ़ जाते हैं और सोच के दायरे भी बढ़ जाते हैं। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज, कोई भी आप कोई भी काम करते हैं, आपने कोई काम किया, आपने उसको पब्लिश किया, कोई भी काम किया, आपने किसी को बताया, किसी ने आपको देखा कुछ काम करते हुए,
लोग आपको पुल करते हैं बैक, राइट, या आपकी हंसी उड़ाते हैं या कुछ भी करते हैं। किसी की हंसी उड़ाने से, किसी के शब्दों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, यू शुड डू इट एंड यू शुड मूव अहेड विद दैट। कोई भी आपकी चीज़ को अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, कट द क्रैप आउट। जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं, उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखा करिए, उनसे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म करिए। और जो लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनकी हमेशा कद्र करिए, क्योंकि वो लोग ही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो आपके बुरे टाइम में भी आपको मोटिवेट करते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती करिए, या रिलेटिव्स में भी आपको वही स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम सेइंग कि रिलेटिव्स में भी आपको वही रिलेटिव्स से ज़्यादा टॉक्स करना चाहिए या कुछ शेयर करना चाहिए, जो न्यूज़ चैनल की तरह सब कुछ ना फैलाएं आपके बारे में, बल्कि आपको समझें, आपकी प्रॉब्लम को समझें, आपको गाइडेंस दें और हमेशा आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करें। तो हमेशा उन लोगों का साथ रखिए जो आपको इन द लाइफ एज ए सपोर्ट सिस्टम लव एंड केयर देते हैं, केवल उन्हीं लोगों के साथ। जो आपको केयर ही नहीं करते, जो आपकी कदर ही नहीं करते, तो आप उनसे गुस्सा मत होइए, आप उनसे कुछ मत बोलिए, बोलिए ही मत, मैं कहती हूँ आप शांत रहिए। जिस दिन उन्हें एहसास होगा, वो खुद सोचेंगे कि अरे यार, हमने इसके साथ गलत नहीं किया और ये मतलब समथिंग गलत हो गया, तो उनको ही कहीं ना कहीं लगेगा और फिर वो भी शायद चेंज हो सकते हैं। तो लास्ट में सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, कुछ यू नो खुद भी कुछ तरीके ढूंढिए नेगेटिव चीज़ से आने के बाहर। सिर्फ दवाई खाने से नेगेटिव चीज़ से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। दवाई खा ली और फिर आप उसी जोन में चले गए, उसी टेंजेंट में चले गए, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईटिंग और मीटिंग अ डॉक्टर और ईटिंग सच मेडिसिंस, जिससे आपको 50 चीज़ें और हो जाएंगी और उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला मेरा सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।